सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले डियो गाड़ी में लगने वाली बैटरी, डियो में कौन सी बैटरी लगती है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो किस तरीके से आपको फिटिंग करना है, कहाँ से नट निकालना है, तो इस तरीके से चार नट आपको यहाँ से निकालना है। आप देख रहे होंगे पहला नट, उसके नीचे सेकंड नट और लेफ्ट साइड में दो नट। डियो की ये गाड़ी है और किस तरीके से नट निकालना है, किस तरीके से बैटरी फिट करना है, आपका नया शॉप होगा या आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि किस तरीके से नट निकालना होते हैं, सो ये वीडियो देख लीजिए और पता कर लीजिए कि किस तरह से नट निकलता है, कितने साइज़ की इसकी बैटरी लगती है, उसका प्राइसिंग क्या है, सब कुछ हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ओवरऑल वीडियो को देख के सारी बातें पता कर लीजिए और प्रॉपरली आपको यहाँ पे जो लगने वाला इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर आपको लगता है, इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए और 10 नंबर का टी पाना आपको एक लगने वाला है। दोनों साइड के नट प्रॉपरली निकाल लीजिए, उसके बाद में बैटरी कहाँ पे रहती है और फ्रंट में ही आपको, जैसे एक्टिवा में, डियो में, फ्रंट में ही, प्लेजर में, फ्रंट में ही आपको बैटरी मिलने वाली है। बस 6G जो एक्टिवा की नई गाड़ी है उसमें नीचे बैटरी दी गई, उसका भी वीडियो बना हुआ है। सो यहाँ से आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी एक नीचे दो नट रहते हैं दो साइड में। पुरानी गाड़ी होने की वजह से एक साइड में नट है, दूसरे साइड का नट यहाँ पे टूटा हुआ है, मतलब निकला हुआ है, नट नहीं है। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे और बाहर निकाल लेंगे, या यहाँ से ये जो आगे का जो टप्पर है गाड़ी का, जो हेडलाइट का पूरा, ये बाहर निकाल लेंगे। सो इस तरीके से यहाँ पे रहती है बैटरी और यहाँ पे लगी हुई है SF सोनिक की बैटरी, आप देख सकते हैं। साइज़ इसका 5 एम्पीयर की, 5 एम्पीयर की SF सोनिक की बैटरी है। अभी प्राइसिंग की बात करेंगे, SF सोनिक कितने में आपको आती है। सो SF सोनिक की आपको 1400-1300 रुपये तक के आएंगी। पुरानी बैटरी रिप्लेस करके आप लेते हैं तो ये आपको 1150 रुपये तक के पुरानी बैटरी रिप्लेस करके आने वाली है। अब यहाँ पे इसका हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कितना इसका वोल्टेज है। अब बैटरी ख़राब भी रही तो भी वोल्टेज अच्छा ही दिखाती है, कभी कभी ऐसा होता है। सो इसका वोल्टेज हम चेक कर लेंगे कि कितना, और बैटरी में क्या प्रॉब्लम है। बैटरी अभी ठंडी में बैटरी की प्रॉब्लम है, बैटरी को 4 साल हो गए, लगभग 4 साल हो गए, मतलब बैटरी की लाइफ कम्प्लीट हो गई है। यहाँ पर वोल्टेज प्रॉपर दिखा रहा है, 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट होना चाहिए। बैटरी वीक हो गई है, इसको 3 साल प्लस हो गए हैं। सेल्फ दे के देखेंगे तो यहाँ पे गाड़ी अभी थोड़ी देर धूप में है तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ठंडी में चालू नहीं होती है, रात भर में सवेरे थोड़ी गर्म होने के बाद में शुरू हो जाती है, मतलब बैटरी में प्रॉब्लम है ही, 3 साल ज़्यादा हो गई है, सेल्फ देने में थोड़ा दिक्कतें देती है, बाकी सब ओवरऑल ठीक है। अब यहाँ पे हम बैटरी ये चेंज कर देंगे क्योंकि बैटरी वीक हो गई है, 3.5 साल हो गए, 2 साल गारंटी, 2 साल वारंटी है। 2 साल में अगर रिप्लेसमेंट होता तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी रहती थी, पर 2 साल ज़्यादा हो गए। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, बैटरी की प्राइसिंग, जैसे हमने SF अगर आप लेते हैं कोई भी कंपनी की होंगी, बैटरी के 100-150 रुपये माइनस हो जाते हैं। SF की बैटरी आप लेते हैं, SF एक साइड का ब्रांड है, तो ये आपको 1150-1200 तक की पुरानी रिप्लेस करके आ जाएंगी। और अभी प्राइजेस चेंज हो गए सभी कंपनी में, एक साइड एमरॉन, SF सोनिक, सभी के प्राइजेस चेंज हो गए। तो प्रॉपरली इस तरीके से आपको नट निकाल लेने हैं। और आपको एक बताना चाहूँगा, अगर आप बैटरी निकालते हैं तो एक थोड़ा छोटा सा क्लिप निकाल लीजिए, अगर आप नए नए होंगे तो, वीडियो या फिर फोटो, किस तरीके से बैटरी नेगेटिव पॉजिटिव आपको लगाना है। अब यहाँ पे हमने बैटरी निकाल ली है और यहाँ पे अभी हम लगाने वाले हैं एक एक्साइड की बैटरी, आप देख सकते हैं 5H वाली, जो आपको पुराने रिप्लेस करके 1250-1300 में आने वाली है। तो इस तरीके से एक्साइड की बैटरी यहाँ पे फिट करेंगे, इसका प्रोसेस आप देख लीजिए। तो यहाँ पे कम्प्लीटली बैटरी हमने फिट कर दी है और यहाँ पे हम बैटरी गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे, बैटरी में प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, 2 साल गारंटी, 2 साल वारंटी है। मल्टीमीटर पे चेक कर लेते हैं, वोल्टेज भी ओके दिखाएगा, गाड़ी हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से भी कम्प्लीटली ओके है, बैटरी फिटिंग हो गई है, इस तरीके से कम्प्लीट प्रोसेस है। और अभी यहाँ पे वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कोई नया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटा प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन कीजिए। बाय।